महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर तेज हुआ विवाद। एमबीए नेताओं को वेलगावी में पुलिस ने रोका। एनसीपी और शिवसेना नेताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर मुंबई में जारी विरोध प्रदर्शन सोमवार को उस वक्त और तेज हो गया जब एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और महाराष्ट्र एकीकरण समिति के करीब 300 नेताओं को कर्नाटक पुलिस ने बेलगावी में एंट्री करने से रोक दिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले ही बेलगावी में धारा 144 लागू कर दी थी। बावजूद एमबीए के नेता कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा के नजदीक कोगनोली टोल प्लाजा के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। बेलगावी जिला महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद का केंद्र है। महाराष्ट्र के नेता विरोध करने के लिए बेलगांव में एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को एहतियाती हिरासत में ले लिया। दरअसल कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच कर्नाटक में बीएस बोम्मई सरकार के अंतिम शीतकालीन सत्र के लिए एमबीए ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने सोमवार को दावा किया कि दोनों राज्यों के सीमा विवाद के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराव बोम्मई के फर्जी ट्विटर हैंडल के मुद्दे पर महाराष्ट्र को गुमराह किया जा रहा है। चौहान ने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार फर्जी ट्विटर खाते के मुद्दे पर विवाद को खत्म करने में कर्नाटक की मदद कर रही है, जिससे भड़काऊ टिप्पणियां की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले हफ्ते कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों का दावा करने वाले उनके कर्नाटक के समकक्ष के नाम किए गए ट्वीट वास्तव में बोम्मई द्वारा पोस्ट नहीं किए गए थे। पिछले हफ्ते महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से दोनों राज्यों के बीच सीमा तनाव को कम करने के लिए मुलाकात करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि शीर्ष नेताओं के नाम पर फर्जी ट्वीट ने भी इस मुद्दे को बढ़ाया है। बेलगावी और उत्तरी कर्नाटक में आसपास के क्षेत्र पर महाराष्ट्र के दावों पर विवाद है। इन इलाकों में एक बड़ी मराठी भाषी आबादी रहती है। आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा के 10 दिवसीय शीतकालीन सत्र के सोमवार में शुरू होने के मद्देनजर बेलगावी शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। ये तो हुई बात मौजूदा हालात की, अब जरा ये जान लेते हैं कि आखिर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद है क्या। ये विवाद आज से नहीं बल्कि 1957 से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किए जाने के बाद से शुरू हो गया था। महाराष्ट्र बेलगावी पर दावा करता है जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा महाराष्ट्र 814 मराठी भाषी उन गांवों पर भी दावा करता है जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।